बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हमारा उर्दू का नेक्स्ट लेक्चर है और हम जो है वो हमने उसमें मैंने आपको तशरीह करवा दी थी उसकी एक्सरसाइज की कुछ चीज़ें और उसमें जो क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहें जो रहते हैं वो आप अपने टाइम में जो टाइम टेबल में आपको दिया गया है उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हम की तशरीह हम कर चुके हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले हम्द के माना क्या हैं। हम्द के माना क्या हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। लायक हम्द किसकी ज़ात है, ये हमने इस तशरीह में पढ़ा कि हम्द के काबिल कौन है, किसकी ज़ात है। लायक हम्द सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने इस जहान को पैदा किया है, जो खलाक के जहां हैं। अल्लाह ताला की जलालत के निशानात क्या हैं, और इसमें हमने पढ़ा कि कौन से निशान हैं, उसकी कुदरत के मज़ाहिर कौन कौन से हैं, सूरज, चांद, सितारे, मरीख, बहरोबर, दश्त व जबल, ये सारी उसकी जलालत के निशान हैं। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का एहसान क्या है, तो इसकी तशरीह भी हमने पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया, नियाबत का शरफ दिया और ये इंसान पर एहसान किया है। आखिरी शेर में शायर किस बात की तरफ इशारा करता है, मुनकरों का भी वही रिज्क रसा है तायब। इसमें किस चीज़ की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ही रिज्क रसा है हर एक को, मुनकरों को भी, यानी काफिरों, मुशरिकों और जो उसका इनकार करते हैं उनको भी रिज्क वही देता है। मीनिंग खलाके जहाँ, तख्लीक करने वाला, दुनिया की तख्लीक करने वाला, दुनिया को बनाने वाला। अल्ताफ़ का मतलब है लुत्फ़, लुत्फ़ की जमा है इनायत, करम, मेहरबानी। करा ताबा कराम, इसमें क्या था, यानी एक जगह से महदूद से लामहदूद तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तमाम कायनात जो है, बहरोबर, खुश्की और दरिया, दहर, दुनिया, नियाबत, खिलाफत देना, नायब बनाना, रिज्क रसा, रिज्क पहुंचाने वाला, और ज़ीस्त का मतलब क्या है, ज़िंदगी। इसके अलावा जो है इसमें खाली जगह है जो आप मिसरों से देख के पुर करेंगे। आगे है फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। इसमें किताब में आपको ये तारीफ़ दी गई है कि फ़ेल मारूफ ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो, और फ़ाइल कौन होता है, जो काम कर रहा हो। मसलन तुलबा ने किताब पढ़ी तो पढ़ना जो है वो फ़ेल है, और पढ़ने वाला कौन है, तुलबा, तलबा ने किताब पढ़ी तो ये फ़ाइल है तलबा, और जिसमें फ़ाइल मौजूद हो तो वो फ़ेल मारूफ होता है, तो ये जुमला फ़ेल मारूफ का हुआ। इसी तरह फ़ेल मजहूल ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, यानी जिसमें ये पता ना हो कि फ़ाइल कौन है, काम करने वाला कौन है। जैसे जुमला है कुत्ते को मारा गया, मारा गया फ़ेल है, लेकिन ये नहीं इसमें बताया कि मारा किसने है, तो इसमें फ़ाइल ना हुआ, फ़ाइल ना हुआ तो फिर इसको मजहूल कहेंगे, फ़ेल मजहूल। और मजहूल का मतलब है कि ला इल्म होना, जाहिल से, जहल से, कि फ़ेल मजहूल यानी इसमें फ़ाइल का पता नहीं है। इसके बाद है जुमले दिए गए हैं कि इनको फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ में बदलें। पहला है इंसाफ कर दिया जाएगा, इंसाफ कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा फ़ेल हो गया, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कौन करेगा, किसने किया है, तो इसमें हम फ़ाइल खुद लगाएंगे और फिर जुमला बनाएंगे, और ये इंसाफ कर दिया जाएगा जो है ये जुमला फ़ेल मजहूल का है, तो कर दिया जाएगा जुमला जब बनाएंगे तो ये तब्दील हो जाएगा, इसका इंसाफ कर दिया जाएगा, हम कहेंगे जज इंसाफ करेगा या मुनसिफ इंसाफ करेगा, तो मुनसिफ या जज इस जुमले में जो हम लगाएंगे वो फ़ाइल होगा, तो इस तरह से ये फ़ेल मारूफ बन जाएगा। इसी तरह आगे है रमज़ानुल मुबारक में खुदा से लो लगाई जाती है, रमज़ानुल मुबारक में खुदा से लो लगाई जाती है, फ़ेल मजहूल का है, इसमें फ़ाइल नहीं है,
इसमें हमने फ़ाइल लगाना है और फिर इसको फिर मारूफ बनाना है। तो रमज़ानमबारक में खुदा से लो कौन लगाता है? मुसलमान। मुसलमान रमज़ानमबारक में खुदा से लो लगाते हैं। इसी तरह दुश्मन को दंदान शिकन किया जाएगा, यानी उसको हराया जाएगा, शिकस्त दी जाएगी दुश्मन को। तो कौन देगा? दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। फौज कौन देगी जवाब? फौज दुश्मन को जवाब देगी। फौज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देगी, यानी उसको शिकस्त देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। तो फौज जो हम इसमें लगाएंगे वो फाइल होगा। इस तरह ये फाइल लगाने से जुमले जो हैं फेल मारूफ के बन जाएंगे। इसी तरह आगे है, खेतों में हल चलाया जा रहा है। खेतों में हल चलाया जा रहा है, ये भी फिर मजहूल है, इसको फाइल लगा के मारूफ बनाना है। हल कौन चलाता है? किसान। किसान खेतों में हल चला रहा है। टेलीविज़न पर मैच देखा गया, या हमने टेलीविज़न पर मैच देखा, या लोग टेलीविज़न पर मैच देखते हैं, लोग और हम, ये दोनों फाइल बन जाएंगे। हमारी क्लास में हाजिरी लगाई जाती है तो कौन लगाता है? टीचर हमारी क्लास में हाजिरी लगाता है, या उस्ताद हमारी क्लास में हाजिरी लगाता है। उर्दू में ख़त लिखा गया, किसी भी नाम से हम फाइल बना लेंगे। आयशा ने, अली ने, अहमद ने उर्दू में ख़त लिखा, मैंने उर्दू में ख़त लिखा, तो ये फेल मारूफ बन जाएगा। इसी तरह आगे, सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। सड़क की मरम्मत कौन करेगा? मज़दूर करेगा, तो मज़दूर सड़क की मरम्मत करेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये फेल मारूफ में तब्दील हो जाएगा जब हम इसमें फाइल लगाएंगे। ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें मैंने आपको तशरीह पहले भेज दी है, अब ये इसकी एक्सरसाइज है। अब हमारा आगे जो है नेक्स्ट जो नज़म है वो है नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है नज़म, और नज़म कौन सी है? नात। और नात किसको कहा जाता है? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ या तारीफ बयान की गई हो। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले है इसका शेर, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। अल्लाह अल्लाह सरफराजिए सहराए हिजाज, सारी मखलूक का सुल्तान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत गम कौनैन भुला देती है, जितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आज़म चिश्ती की ये नात है। सबसे पहला जो शेर है उसकी तशरीह करते हैं, मुझ खताकार सा, खताकार गुनाहगार, खताएं करने वाला। शायर क्या कहता है पहले शेर में कि मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। वो अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, खताएं करने वाला हूँ, खताकार हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मदीने में रहूँ, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। कौन? जो आज़म चिश्ती है वो कह रहा है कि मैं, शायर जो है वो ये बयान कर रहा है कि मैं एक गुनहगार इंसान हूँ, खताकार हूँ, खताएं करने वाला हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये हसरत है कि मैं मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनकर रहूं, मैं वहां की ज़ियारत करूं, वहां पे जाऊं।
दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। अब इस शेर में क्या कहता है कि मैं दूर हूँ वहाँ से, वहाँ नहीं गया, वहाँ हाजिर नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं दूर रह कर भी हुजूरी के मज़े उठाता हूँ, हुजूरी के, हाजिरी के, कि मैं वहाँ हाजिर हूँ। मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत है, मोहब्बत है, और मैं ये चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ। तो मैं दूर हूँ वहाँ से, मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ हाजिरी के मज़े सोच में, अपने ख्याल में उठाता हूँ। हालांकि मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे, मैं यहाँ हूँ और मेरी जान मदीने में रहे। मेरी जान यानी मेरी सोच, मेरा दिल, और मैं अपने आप को वहाँ पर हाजिर महसूस करूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर। आगे है, अल्लाह अल्लाह सरफराजी सहराए हिजाज, अल्लाह अल्लाह सरफराजी सहराए हिजाज, सारी मखलूक का सुल्तान मदीने में रहे। अल्लाह अल्लाह से मुराद तारीफ़ी कलिमात हैं, जैसे सुभान अल्लाह हम कहते हैं, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसी तरह सरफराजी सहराए हिजाज, सहराए हिजाज अरब की सरजमीन, मक्का और मदीना और तमाम उसके आसपास के ज़फ़ात के तमाम जो हैं, तमाम इलाके जो हैं, उनको सहराए हिजाज कहा जाता है। सरफराजी का मतलब कामयाबी, बुलंदी, वाह। सहराए हिजाज की क्या सरफराजी है, अरब की सरजमीन ने क्या बुलंदी पाई है कि सारी मखलूक का सुल्तान मदीने में रहे, कि वहाँ पर तमाम मखलूक का बादशाह उस जगह पर है। ये अरब की सरजमीन की ये कामयाबी है, उसकी ये बुलंदी है, ये सरफराजी है कि वहाँ पर तमाम मखलूकात का जो बादशाह है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये ज़मीन जो है मुमताज़ है, सरफराज है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हैं। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। फिर इसमें कहता है कि मुझे मदीना में रहने वालों की ये बात याद आती है, अहले मदीना की ये बात याद आती है कि वो जहाँ, वो जो वहाँ पर रहते हैं अहले मदीना, वो ये कहते हैं कि वाह क्या बात है यहाँ पर रहने की, क्या मज़ा है यहाँ पर जीने का। तो वो कहते हैं कि ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, कि अगर ज़िंदगी गुजारनी हो किसी ने, ज़िंदगी गुजारने का मकसद और मज़ा लेना हो, तो वो इंसान मदीने में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन पर रहे, तो फिर उसको ज़िंदगी का मकसद हासिल होता है। उनकी उल्फत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत मोहब्बत गम कौनैन भुला देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है उससे दोनों जहानों का गम भूल जाता है। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में है, अकीदत एहतराम दिल में है, तो इंसान को कोई गम नहीं रहता, कौनैन दोनों जहानों का गम भूल जाता है। जितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान मदीने में रहे, यानी जो मदीने में जितने दिन गुजारता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बन के रहता है, वहाँ दिन गुजारता है, ज़ियारत करता है, तो वो बाकी तमाम दुनिया के गम और दुखों को भूल जाता है। ये उस जगह की सरफराजी है, बरकात हैं, ये उस जगह का जलाल है कि बाकी कुछ भी याद नहीं रहता। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आज़म कह रहा है कि मैं अपना दिल और जान वही छोड़ आया हूँ, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। यानी मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, इसलिए मैं अपना सामान छोड़ कर जा रहा हूँ। सामान, सामान से मुराद सामान नहीं, बैग्स नहीं, बाकी चीज़ें नहीं, बल्कि दिल और जान, ये मेरा सामान है।
मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ और इस उम्मीद पे जा रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा और ये मेरी चीज़ें यहाँ पर रहें, यानी कि मेरे दिल और जान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जो है वो हमेशा रहे। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नात के माना क्या है? नात के क्या माना है? ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई हो, आपकी अजमत बयान की गई हो, आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उसको नात कहते हैं। इस नात के पहले शेर में शायर किस बात की आरज़ू कर रहा है? इसमें हमने क्या पढ़ा था? पहले शेर में किस चीज़ की आरज़ू कर रहा है कि मैं मुझसा खताकार और गुनहगार इंसान जो है वो सरकार का मेहमान बनकर मदीने में रहे, इस चीज़ की आरज़ू कर रहा है। उसकी ये आरज़ू है, उसकी ये तमन्ना है कि वो सरकार का मेहमान बनकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बनकर वहाँ पर रहे। नात के दूसरे शेर में शायर किस बात पर फ़ख्र कर रहा है? दूसरे शेर में कहता है कि दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे, इस बात पर फ़ख्र कर रहा है कि मैं तो दूर रह कर भी वहाँ हाजिर हूँ क्योंकि मेरी जान और मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है, तो मैं दूर रह कर भी वहाँ की हुजूरी के हाजिर होने के मज़े उठा रहा हूँ। हिजाज से क्या मुराद है? मैंने आपको बताया कि हिजाज का मतलब अरब की सरजमीन, मक्का और मदीना जहाँ पर वाक़े हैं, अरब की तमाम सरजमीन को हिजाज कहा जाता है। ज़िंदगी के बारे में शायर क्या कहता है? इस शेर में हमने पढ़ा कि ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, कहता है कि अगर इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी का मकसद समझना है, तो उसे चाहिए कि वो मदीने में जाकर ज़िंदगी गुजारे और वहाँ जाकर ज़िंदगी का मज़ा ले। गमे दुनिया किस चीज़ से ख़त्म होता है? इसमें पढ़ा हमने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत गमे को नैन भुला देती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपसे अकीदत, आपसे उल्फत जो है वो दोनों जहानों के गम को भुला देती है। गमे दुनिया आपकी मोहब्बत से ख़त्म हो जाता है। आखिरी शेर में शायर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? आखिरी शेर में क्या कहता है कि मैं अपना सामान यानी दिल और जान जो है वो मैं छोड़ आया हूँ और इस उम्मीद पर जा रहा हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा। इसके बाद मौजू तरीन लफ्ज़ का इंतखाब करें, ये तो नज़म में से ही हैं, दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े, अल्लाह अल्लाह सरफराजिए सहराए हिजाज, सारी मखलूक का सुल्तान मदीने में रहे, उनकी उल्फत गमे कौनैन भुला देती है, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। अच्छा, इसमें है चौथा क्वेश्चन जो है, दर्जा अल्फाज़ मुरक्कबात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जुमले जो हैं ये आपने बनाने हैं और ये आपका होमवर्क है। छह अल्फाज हैं, खताकार, हुजूरी, सरफराजी, सहराए हिजाज, गमे कौनैन, दिलो जान, मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए इन सब के, अब आपने इसके जुमले लिखने हैं। आगे है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ या हम काफिया अल्फाज कहा जाता है, जैसे इंसान और मेहमान हम काफिया अल्फाज हैं, एक आवाज़ वाले हम काफिया अल्फाज होते हैं। अब नात में से आपने देखने हैं कि हम काफिया अल्फाज कौन से हैं, इंसान, मेहमान, जान, सुल्तान, इंसान, मेहमान और फिर सामान, ये सारे एक आवाज़ वाले हैं, इनको हम काफिया अल्फाज कहते हैं। इसके बाद है इराब, इराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। इराब यानी अल्फाज की हरकत जो है, हरकत जो है वो कैसे होंगी? इंसान, हुजूरी, हे पे भी पेश होगा, ज़ाद पे भी, हुजूरी, सहराए हिजाज, सह सौद के नीचे ज़ेर है, सहराए हिजाज, गमे कौनैन,
कू नहीं होगा, काफ पे पेश नहीं होगी, बल्कि ज़बर आएगा। मैं कौनैन कौनैन कौनो मका मखलूक मीम पे ज़बर होगी, ये इराब लगा लीजिएगा आप। इसके बाद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 5 से 7 सत्रों पर मुश्तमल पैराग्राफ लिखें। सीरत रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आपकी आदात के बारे में, सीरत रसूल आप सल्लम की ज़िंदगी और आपकी आदात, आपके खसाइल के बारे में 5 से 7 सत्रों पर एक पैराग्राफ लिखें, 5 से 7 लाइनों का, जिसमें आप सल्लम की आदात का ज़िक्र हो कि आप कैसे थे, किस अखलाक के मालिक थे, किन आदात के मालिक थे। इसके बाद हैं 8वां क्वेश्चन है, दीगी नात शरीफ के पहले 2 अशार के आखिरी 3 अल्फाज और बाकी अशार के दूसरे मिस्रों के आखिरी 3 अल्फाज जो कि तू इस्तेमाल किए गए हैं, इनको इन अल्फाज को रदीफ कहते हैं। अच्छा, ये रदीफ क्या होता है, या ये क्वेश्चन है कि रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ क्या होता है। तो पहले हमने काफिया अल्फाज पढ़े, हम काफिया यानी हम अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज, और अब जो है रदीफ क्या होता है, रदीफ क्या होता है, ऐसे अल्फाज जो शेर के आखिर में बार बार, हर शेर के आखिर में बार बार दोहराए जाएं, शेर के यानी दूसरे मिसरे में बार बार दोहराए जाएं। जैसे इसमें नज़म में मदीने में रहे, 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 हर शेर का जो दूसरा मिसरा है उसके आखिर में जो अल्फाज दोहराए जा रहे हैं उनको रदीफ कहते हैं, रदीफ अल्फाज। इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन हमारा, रोज़मर्रा, रोज़मर्रा की तारीफ़ बयान करनी है। रोज़मर्रा होता क्या है, बयान के इस तरीके और बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है जो अहले बयान के उसलूब, तरीके इजहार और गुफ्तगू के अंदाज़ के ऐन मुताबिक हो। अगर कोई फ़िक्रा अहले ज़ुबान के अंदाज़े गुफ्तगू के ख़िलाफ़ हो तो उसे रोज़मर्रा नहीं कहेंगे। मिसालें इसकी ये हैं, जैसे हम हर रोज़ जो अल्फाज बोलते हैं रोज़मर्रा के उसलूब में जो अल्फाज बोलते हैं उसमें अगर कुछ अंदाज़े गुफ्तगू के ख़िलाफ़ हो, कोई उसलूब के ख़िलाफ़ हो, तो फिर उनको रोज़मर्रा नहीं कहते। और मिसालें ये हैं, ये गलत फ़िक्रात हैं, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, गलत है, हम तो कहते हैं हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं, या मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, उसने तुम्हें गाली निकाली, निकाली नहीं बल्कि गाली दी जाती है, निकाली नहीं जाती। शोर मत डालो, ये अक्सर कहते हैं शोर मत डालो, बल्कि डालो नहीं, करो, शोर मत करो, आपने कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, ये इसकी दुरुस्तगी है। और ये इसका आखिरी क्वेश्चन था, दर्ज बाला मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज ज़ैल फ़िक्रात को दुरुस्त करें, वो आपकी बातों को सुन रहा था, इसे कल काफ़ी तकलीफ़ थी, आपको किसने कहा, गलती असलम की ही है, मैंने अपना वादा नहीं भूला, आप कहाँ जा रहे हो, मैंने उसको सवाल किया। अच्छा, ये सारे जो हैं ये इनको आपने रोज़मर्रा हैं, ये इनको ठीक करना है आपने, और बताना है कि गलती कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है इसमें। और ये इसका आखिरी क्वेश्चन था।